के जी वन में कुछ ही सीन्स थे तो आई वॉज इन कि मैं के जी एफ़ टू करूँगी कि नहीं इसलिए मैंने प्रशांत को बोला के जी एफ़ वन हो जाने दो आप मेरा बॉडी डबल यूज़ कर लो कि साउथ की इंडस्ट्री में उन लोग अपने रूट्स से अपने कल्चर से इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए थे कि उनकी पिक्चरें सुपर डुपर हिट होती थी और वही हम मुंबई आके करते थे तो बहुत ही वेस्टर्नाइज इंड ऑफ कल्चर बॉम्बे आती थी तो मुंबई आती थी तो सारे बोलते थे अरे वेट पुट ऑन के वेट पुट ऑन किया और मैं वहाँ जाती थी साउथ में जाती थी तो बोलते थे अरे आप इतनी पतली क्यों हो गई है खाओ खाओ आई थिंक मैंने साउथ इंडस्ट्री में बहुत इन्जॉय किया एंड उस समय जब बोलते थे कि हाँ हमारी इंडस्ट्री मुंबई की इंडस्ट्री डिसिप्लिन नहीं है और साउथ की इंडस्ट्री बहुत डिसिप्लिन है एक्चुअली उस समय थोड़ा बहुत ट्रू था एंड मुझे और बहुत क्या मज़ा आता था कि साउथ की इंडस्ट्री में उन लोग अपने रूट्स से अपने कल्चर से इतने स्ट्रांगली जुड़े हुए थे कि उनकी पिक्चरें सुपर डुपर हिट होती थी और वही हम मुंबई आके करते थे तो बहुत ही वेस्टर्नाइज काइंड ऑफ कल्चर और उस उस तरीके की डीवीडी कॉपी वाली पिक्चरें बनने लगी थी मुंबई में जो नहीं अच्छा बिजनेस करती थी तो इट वाज वेरी वेरी नेसेसरी कि हम अपने मासेस से जो मासेस चाहती हैं उससे कनेक्टेड रहें जो मैंने साउथ इंडस्ट्री से सीखा अगर आप आज के ज़माने में भी देखें तो इतना रेलिवेंट uh, है साउथ में अभी तक इतना प्रेविलेंट भी है उनका कल्चर उनके कस्टम्स उनका ट्रेडिशन उनके जो मास लेवल पे जो लोग सोचते हैं वो ज़्यादातर इतनी ज़्यादा इलीटेस्ट फिल्में नहीं बनाते हैं तो शायद लोगों को वो ज़्यादा पसंद आती हैं और आई थिंक दैट्स व्हाट वर्क्स सो इट हैज़ ऑलवेज़ बीन अ ग्रेट जर्नी मुझे बहुत मज़ा आता है एंड स्पेशली जब मैं साउथ जाती थी एक पर्सनल चीज़ बताऊँ बॉम्बे आती थी तो मुंबई आती थी तो सारे बोलते थे अरे वेट पुट ऑन किया वेट पुट ऑन किया है और मैं वहाँ जाती थी साउथ में जाती थी तो बोलते थे अरे आप इतनी पतली क्यों हो गई है खाओ खाओ तो मुझे तो बहुत मज़ा आता था मैं डाइटिंग वाइटिंग छोड़ के इडली डोसा नारियल की चटनी दबा दबा के खाया करती थी और मुंबई पहुँचती थी स्कैड्यूल के लिए तो बोलते थे लिटल यू पुट ऑन वेट ना मनीष बोलता था स्पेशली राजू है यू हैव टू लूज वेट हाँ हो जाऊँगी पतली वापस तो ये एक, एक uh, मज़ेदार दौर था बहुत मज़े की है लैंग्वेज का स्ट्रगल इतना नहीं था हाँ ज़रूर वहाँ पर हम मदद रहते थे थोड़ी बहुत प्रॉम्प्टिंग वगैरह की पर मोस्टली इट वॉज लाइक गोइंग बैक टू स्कूल और एग्जाम देना क्योंकि बाय हार्ट करने पड़ते थे वो डायलॉग्स जिससे जिसमें हमारी टंग इतनी फ्लूंट नहीं है तो मुश्किल होता था लेकिन कठिन होने के अलावा आई थिंक जो हमारी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं एक तो वो हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं हमारे देश की अखंड भारत के ज़माने से तो उसमें जो इतना भारी संस्कृत भी यूज़ होता है तो हम जो मुंबईया कलोकियल बात करते थे उसकी आदत पड़ी हुई थी हमको वहाँ जाके एक्चुअली जुबान साफ़ हो जाती है तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टाइम था एंड मैंने जैसे कि मैंने कहा मैंने तो बहुत इन्जॉय किया चाहे वो आ, मेरी फिल्में मैंने कमल जी के साथ की मैंने चरणजीवी जी के साथ की नागार्जुन के साथ की है वेंकटेश के साथ की है बाला के साथ की हैं तो इट्स 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 बीन जस्ट वंडरफुल आई थिंक तमिल एंड तेलुगु आर ईजी मैं थोड़ा बहुत बात भी कर लेती हूँ उसमें अभी भी जाती हूँ तो जो भी जो बोल रहे होते हैं मुझे समझ में आ जाती है uh, प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मुंबई आके फिर कोई बात करने के लिए नहीं होता है तो एकदम तुरंत भूल जाते हैं एंड केजीएफ uh, भी जो की तो उसमें ज़्यादा मुझे कन्नड़ में बात नहीं करनी थी तो मेरे लिए बहुत ही uh, आसान हो गया पर लाइक आई सेड होमवर्क करना पड़ता है के जी एफ वन के लिए प्रशांत जब आए थे तो ज़्यादातर उसमें के जी एफ टू का पूरा स्क्रिप्ट तय नहीं था उसमें के जी एफ वन में कुछ ही सीन्स थे तो आई वॉज इन कि मैं के जी एफ़ टू करूँगी कि नहीं इसलिए मैंने प्रशांत को बोला के जी एफ़ वन हो जाने दो आप मेरा बॉडी डबल यूज़ कर लो एंड जहाँ आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी के जी एफ़ टू के लिए एमऑन के जी एफ वन रिलीज़ हो गई उन्होंने मेरा बॉडी डबल यूज़ किया किसी का फेस एस्टेब्लिश नहीं किया क्योंकि प्रशांत वॉज़ वेरी श्योर कि वो चाहते थे एंड हमने कोई वर्कशॉप वगैरह कुछ नहीं किए प्रिपरेशन कुछ नहीं किया फ़र्स्ट डे शूट ही हम जा के मिले के जी केजीएफ टू के लिए प्रशांत के साथ और उसी से हमने बैठ के थोड़ा बहुत आ, बात की एंड एक फर्स्ट शॉट में दो तीन टेक्स के बाद हमने एक टोन सेट कर लिया कि क्या टोन था क्योंकि देखिए हर एक डायरेक्टर के जहन में या उनके दिमाग में पूरी पिक्चर एक बसी हुई होती है दूसरों के परफॉर्मेंसेस वो देख रहे हैं आप नहीं देख रहे हैं तो आई थिंक आपको अपने आप को एक डायरेक्टर के हाथ में छोड़ देना चाहिए टोटली totally. आपको अपनी नहीं करनी चाहिए दिस इज द बिगेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू ऑल दो यंग एक्टर्स आउट दैर क्योंकि डायरेक्टर जो है मेरे फादर ने ऑलवेज सिखाया है एज द कैप्टन ऑफ द शिप वो जानते हैं वो किस लेवल पे और किस मुकाम पे दूसरों की भी परफॉर्मेंसेस वो देख रहे हैं तो कौन से लेवल तक वो लेके जा रहे हैं सबकी परफॉर्मेंसेस वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए दैट इज समथिंग आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डायरेक्टर टू मोल्ड यू